अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए आलू गोभी की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोभी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों को पूरे YouTube में भी शायद ना मिले। तो ग्रेवी वाले आलू गोभी बनाऊंगी डिफरेंट मसालों के साथ, डिफरेंट टेस्ट के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी बनाने के लिए गोभी ले लिए हैं, 3 पाव गोभी है मैंने इस तरह से बड़े बड़े से कटिंग किए हैं। आप लोगों ने इस तरह से बड़े बड़े कटिंग करने हैं ताकि ये ग्रेवी में देखने में अच्छे लगें, टूटे ना। और आलू आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 अदद आलू लिए। मसालों में मैंने यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च और यहाँ पर सरसों राई दाना जो होता है 1 खाने के चम्मच लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिया है, काली मिर्च की क्वांटिटी कम रखनी है। और 1/2 टेबल स्पून यहाँ साबित ज़ीरा लिया है। यहाँ 2 अदद टमाटर हैं, 3 मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, और लहसुन के जवे हैं मैंने आधे से ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ किया है। तो इन मसालों को मैं यहाँ पर पीस के उसके बाद ही यूज़ करूँगी रेसिपी में। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोभी और आलू को फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और रेसिपी जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए आलू और गोभी दोनों को एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि सालन में ये टूटेंगे नहीं जाके, गोभी जो है इसको हमने बड़ा बड़ा ही काटना है ताकि ये देखने में अच्छे लगे। इस तरह की रेसिपी हमारे घर में बनती है, और आप यकीन करें ये बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इस रेसिपी का। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पर आलू और गोभी दोनों चीज़ों को 10 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। इतनी देर में मसाला पीस लेती हूँ, फिर जल्दी से रेसिपी बनाएंगे। आलू गोभी दोनों चीज़ें यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ये तकरीबन हाफ गल चुकी हैं। चले अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और मसाले को भी मैंने यहाँ पर पीस लिया है। जल्दी से मसाला रेडी कर लेते हैं। वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, आप लोग इसे एक बार घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर इसे वाइट चावल के साथ सर्व करूँगी, आप लोग इसे चावल रोटी दोनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं। दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल डाल लिया है, और यहाँ पर देखें 1/2 टीस्पून मैंने मेथी का दाना लिया है। मेथी दाना आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग इसकी जगह राई दाना भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेथी दाने को अच्छे से कड़का लेना है, अच्छा सा फ्लेवर देना है। जब इसके सीड्स जो है यहाँ पर ब्लैक हो जाए उसके बाद मसाले ऐड करने। मेथी का फ्लेवर अच्छी तरह से ऑयल में आ गया है। अब यहाँ पर हमने पीसे हुए मसाले ऐड करने हैं। ये देखें, सारे मसाले मैंने इस तरह से डालकर प्याज, लहसुन, टमाटर और ज़ीरा, काली मिर्च, सरसों, इनका पेस्ट बना लिया है। मसाला डालने के बाद ही हमने यहाँ पर पानी भी डाल देना है ताकि मसाले जले ना। अब हमने मसालों की यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। टमाटर का यहाँ पर जितना भी पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हमने आलू गोभी ऐड करना है। आलू गोभी तो गल चुके हैं, बस थोड़ी देर ही पकाना होगा। नमक यहाँ पर देखें, 1 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। यहाँ पर पीसी मिर्च भी मैंने 1 खाने के चम्मच ही लिया है, ये भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, सॉरी, हल्दी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि हल्दी तेज़ वाली कलर की है तो इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। तो यहाँ पर अब मसालों को अच्छी तरह से भून लें इतनी देर तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुके हैं, देखिए ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है, मसाले दानेदार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी सब्ज़ियाँ। आलू गोभी को तो हमने फ्राई पहले ही कर लिया था, आलू गोभी को अब यहाँ पर भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जिस हिसाब से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 प्याला पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग रोटी से खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से ही ग्रेवी डाल लें। तो यहाँ पर अब मैं इसे मिक्स करके पूरे 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दूंगी। आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पका लें, 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं आलू गोभी को पकते हुए, देखें आलू गोभी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं, फ्रेश धनिया के पत्ते हैं, आप लोगों ने इसको ऊपर से थोड़े से डाल लेने हैं।
गोभी यहाँ पर आप लोग देखें अच्छी तरह से गल चुकी है और टूटे भी नहीं है, जिस तरह से हमने गोभी की कटिंग की थी बिल्कुल उसी शेप में है। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ धनिया डालने के बाद आप लोगों ने सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें सारे धनिया को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें सर्व करके दिखाती हूँ। डिफरेंट मसाले डिफरेंट टेस्ट के साथ आलू गोभी की ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाइट चावल के साथ आप लोग लाजमी एक बार इसे बनाकर खाइएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।